एक का नाम है तनिष्क, जिसकी कल जो डेथ हो गई है, हॉस्पिटल लेके गए थे और हॉस्पिटल में उसको एम्बुलेंस वसूल कर दी। और एक जो दूसरा वहाँ पे शॉप के अंदर वो अपने टिकट बुक करवाने के लिए गया था, टिकट बुक करवाते टाइम ये तनिष्क बचने के लिए उस दुकान के अंदर घुसा और उस दुकान के अंदर ये टिकट बुक करवा रहा था, एकदम अकस्मात जैसे ही था तो छूट छटाव में इसको भी उन्होंने चाकू मार दिया और इसको भी हॉस्पिटल में ही एडमिट था। रात को ठीक ठाक उसका उपचार चल रहा था लेकिन सुबह उसको मृत घोषित कर दिया गया। दोनों की पवन नाम था। आखिर कौन थे और कितने लोग थे ये? अब कौन थे ये तो नहीं हम बता सकते क्योंकि वहाँ पे हम नहीं थे, लेकिन जो सुनने में आ रहा है 30-35 लोग बताए जा रहे हैं कि 30-35 थे और 6 जनों को पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है 9 लोगों को पुलिस ने। हाँ, 9 अभी तो 6 का मुझे 6 को पता लगा है, पता नहीं 9 का क्या होगा, लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है 6 को पकड़ा गया है, अभी 3 और फरार है। अच्छा, जिन बच्चों की मौत हुई है क्या काम करते थे? तनिष्क ये एक प्राइवेट जॉब कोई करता था, उसकी कोई फैमिली नहीं, फैमिली में उसके कोई नहीं है, केवल उनकी जो मदर है वो है, उनके फादर थे, अभी कुछ महीनों पहले उनकी 6 साल पहले उनकी डेथ हो गई। तनिष्क यहाँ से कैसे शुरुआत करूँ मैं बात की, 7:30 बजे वो यहाँ पे दूध पी रहा था, घर में बैठा था, उसको कॉल आई थी, जब कॉल आई थी तो फिर उसको बुलाया, तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं नहीं क्या करने जाके, तो उसने बोला नहीं नहीं जो मेरा सही फ्रेंड है ना वो बुला रहा है, कोई और नहीं बुला रहा, जो हमारी कोई बात हुई थी तो वो उसका हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो हमारी कोई बात नहीं, तो बस हो गया। और थोड़ी ही देर में मेरे हिसाब से 10 मिनट से भी पहले तो ये उसकी मम्मी है तो कोला मतलब एक लेडीज आई, 2 लेडीज कि तेरा बेटा खून खून हो गया वो देखो, तो बस। आखिर लड़ाई किस बात की थी और कौन थे ये लोग इन्होंने चाकू मारा? वो तो कोई भी नहीं जानता, वो तो हम भी नहीं जानते। कितने लोग थे लगभग? कितने लोग? 25-30 सुनने में आया। बताया जा रहा है कि लगभग 8-9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। हाँ जी, बहुत सारे थे और वो 3 दिन से जहाँ तक अब अंदाजा लग रहा है कि वो 3 दिन से चक्कर काट रहे थे, क्योंकि एक दिन ये कह रही है 11:30 बजे आए थे यहाँ पे। तनिष्क क्या करता था, पढ़ाई करता था या क्या कोई जॉब वगैरह करता? पढ़ाई भी करता था, पार्ट टाइम जॉब। हाँ, पार्ट टाइम जॉब भी करता था, पढ़ाई भी करता था, वो बहुत अच्छा बच्चा था, वो उसका कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। फिर वो ये एक दिन पहले भी ये बोल रही है कि रात के 11:30 बजे यहाँ से वैसे झांक रहे थे मेरे घर में। थाना भी बिल्कुल पास में बताया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। थाने से चंद कदमों के दूरी पे ये सारी। हाँ जी, हाँ जी।